Hello students, welcome to our channel Physics Cynics, and in this video we will learn about work energy theorem. Work energy theorem. बहुत सिंपल डेरिवेशन है स्टूडेंट्स इसकी. ये सिंपली वर्क और एनर्जी को रिलेट करती है. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करती है, वर्क और एनर्जी को रिलेट करती है. ओके, जैसे आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे आप लोगों ने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है. थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट. इफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट is moving with initial velocity u and final velocity v, having an uniform acceleration a and displaced by a distance s, then the three equation of motion will be v equals to u plus at, where t is the time taken by the body of the motion, and next is s equals to ut plus half a t का स्क्वायर, राइट. ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग शो करते हैं. सो नेक्स्ट इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, राइट. ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती है. तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग वर्क एनर्जी की थ्योरम प्रूव करने के लिए वी आर चूजिंग दिस इक्वेशन, राइट. इस इक्वेशन को हम लोग चूज कर रहे हैं. हम लोगों ने देख लिया कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के साथ कुछ मूव कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन है ए और डिस्प्लेसमेंट है एस, राइट. सो अगर मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर ऑफ m by 2, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी, राइट. तो यहाँ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u square equals to m by 2 into 2as. तो यहाँ से 2 से 2 का फैक्टर कट गया और वी गेट हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए एस, राइट. अब यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, जो m मास इंटू एक्सेलरेशन इट गिव्स अस अ फोर्स, एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस अ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट. तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, और यहाँ पर जो आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो फैक्टर है हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू दी वर्क डन. यही स्टूडेंट्स आप लोगों की क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है. एंड इट स्टेट्स दैट दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, राइट। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है, यहाँ से हम लोगों को रिलेशन पता चलता है बिटवीन वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिलेट करते हैं हम लोग विद वर्क डन, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। और यहाँ से हम लोगों को क्या स्टेटमेंट मिलती है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ ऑब्जेक्ट पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। जितना भी नेट फोर्स हुआ है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का, वो किसके इक्वल होगा, आप लोगों के वर्क डन के इक्वल होगा। जो वर्क डन किस वजह से हुआ है, बाय द नेट फोर्स। ओके सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।